हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी के टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में, जहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं रॉयल एनफील्ड की 2023 बुलेट 350 के कलर ऑप्शंस के बारे में। थोड़ी बहुत चेंजेस मोटे मोटे इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स क्या देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको इसकी असेंबली लाइन जो है इसका भी थोड़ा बहुत टूर यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो पहले शुरुआत करते हैं इसके वेरियंट से। तो यहाँ पर जो है ये दो रेड और ये ब्लैक देख रहे हैं, ये इसके बेस वेरिएंट हैं। एंड इनमें जो है बैजिंग का थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा मुकाबले जो और वेरिएंट हैं उनके मुकाबले। बैजिंग कुछ इस तरह से इनमें दी गई है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। एंड ऑल्सो इसमें जो है आपको रियर में डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो और वेरिएंट हैं मिड या टॉप उनमें डिस्क ब्रेक दिया गया है। डुअल चैन एबीएस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा ये चीज़ें आपको इन बेस वेरिएंट पर देखने को मिल रही हैं। प्राइस जो रॉयल इनफील्ड ने बेस वेरिएंट लगा रखा है इस बुलेट 350 के, वो है 1,73,000 एक्स शोरूम इनका प्राइस रखा गया है। साइड से थोड़ा आपको दिखाता हूँ, तो जिस तरह से यहाँ पे ये दोनों कलर इसके बेस वेरिएंट के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके जो मिड वेरिएंट हैं, ये जो मरून वाला है और वो ब्लैक वाला है, ये दोनों इसके मिड वेरिएंट हैं। इनका प्राइस जो रखा गया है वो है 1,97,000 एक्स शोरूम इनका प्राइस रखा गया है। इनमें जो एडिशन हुआ है कंपेयर टू बेस वेरिएंट्स, तो आपको रियर में इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है। जो बैजिंग है वो थोड़ी प्रीमियम रेट्रो फील वाली इसमें यहाँ देखने को मिल जाती है। ऊपर नीचे रॉयल एनफील्ड और बुलेट 350 की जो बैजिंग दी गई है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा देखने को मिल रहा है अलग। आपको यहाँ पे ये गोल्डन स्ट्राइप्स इनके टैंक पे दी गई हैं, साइड में भी आपको ये स्ट्राइप्स देखने को इसमें मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा जो बाकी सब चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जिस तरह से इसमें दिया गया है, ये इसका डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले है, एनालॉग इसका स्पीडोमीटर दिया गया है। रॉयल एनफील्ड 350 की बैजिंग यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाती है। एंड फ्रंट में सेम वही है, कोई चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। फेस भी सब कुछ वैसा ही, कोई डिफरेंस नहीं है। एलईडी हेडलैम्प नहीं दिए गए हैं। एंड ये पायलट हेडलैम्प यहाँ पर आपको ऊपर इसमें देखने को मिल जाते हैं जो हम बुलेट में देखते आए थे। अभी तो बात हो गई इनके बेस जो कि ये दोनों हैं और ये दोनों इसके मिड वेरिएंट है। ये जो बीच में खड़ा है ये एक नया कलर रॉयल एनफील्ड लेकर आई है इस बुलेट में, इसको रॉयल एनफील्ड कह रही है ब्लैक गोल्ड। एंड इसमें जो है बैजिंग आपको वो सेम मिड वाली देखने को मिलेगी, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर देखिए, आप रेड देख रहे हैं इसमें जो है यहाँ पर ये ब्लैक दिया गया है। जहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा है, जहाँ पर ये बुलेट 350 लिखा है, इसको ब्लैक में दिया गया है, वहाँ पर रेड में देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इसमें जो है इंजन केसिंग जो है आप देखेंगे सिल्वर है, एल्युमिनियम फिनिश है, यहाँ पे जो है पूरा ब्लैक्ड आउट इंजन केसिंग दिया गया है। एंड जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी पूरा ब्लैक्ड आउट यहाँ पर आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, जबकि इसमें जो है ये क्रोम फिनिश में इसका एग्जॉस्ट टेल दिया गया है जो कि इसका मिड वेरियंट है और जो कि इसका बेस वेरियंट है। इनमें क्रोम फिनिश में दिया गया है, लेकिन जो टॉप वेरियंट है ये वाला, इसमें आपको ये ब्लैक्ड आउट फिनिश इसमें देखने को मिल जाती है। अभी फिलहाल वेरिएंट बाय वेरिएंट कोई डिटेल्स बताई नहीं गई हैं, स्पेशली ड्यूअल चैन एबीएस का ऑप्शन है लेकिन वो मिड वेरिएंट में है नहीं है या सिर्फ टॉप वेरिएंट में है उसकी डिटेल अभी नहीं है, लेकिन ड्यूअल चैन एबीएस का ऑप्शन दिया गया है। सो होपफुली आई थिंक वहाँ पे सिंगल डिस्क ब्रेक है, यहाँ पे ड्यूअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैन एबीएस होगी एंड टॉप में आई थिंक ड्यूअल चैन एबीएस का ऑप्शन होने वाला है। दैट इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ, जो भी फिलहाल डिटेल्स थोड़ी बहुत हवा हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे जो असेंबली लाइन आप देख रहे हैं, कुछ नई तरीके का लॉन्च यहाँ पर रॉयल फील्ड ने अपनी इस नई बुलेट का करा है। एंड यहीं पर इसकी असेंबली लाइन चल रही है, यहीं से बुलेट निकल रही है असेंबली लाइन से, वहाँ पे उनकी डायनो टेस्टिंग हो रही है। थोड़ा आगे दिखाता हूँ किस तरह से काम हो रहा है इसकी असेंबली लाइन पर, और बुकिंग्स भी इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं शोरूम पर। जल्दी बाइक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे इसकी सीट फिट हो रही है, यहाँ पर सीट फिट नहीं है। जितना और पीछे जाऊंगा उतना ही इसके पार्ट पुर्जे थोड़े कम होते जाएंगे, जितनी आगे बढ़ती है उतने पार्ट पुर्जे ऐड इसमें होते जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे सीट वगैरह कुछ नहीं है, हेडलैम्प यहाँ पे इसका फिक्स करा जा रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे इसका टैंक यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसका टैंक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसका फ्रेम आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्रेम यहाँ पे इसका देखने मिलता है। जे सीरीज़ का ही नया इंजन है, आई थिंक इसको देख के आप समझ जाएंगे ये इसका
टॉप वेरियंट है क्योंकि इसमें जो है ब्लैक आउट इंजन केसिंग दी गई है। यहाँ पर इस तरह से काम चल रहा है। पीछे की तरफ जाएंगे यहाँ पे ये है एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से असेंबली लाइन इसकी यहाँ पे चलाई जा रही है। थोड़ा और पीछे ले जाता है जहाँ पर इसके टायर्स की फिटिंग हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें ये रियर मड गार्ड है एंड यहाँ पे इसका रियर मड गार्ड नहीं है। थोड़ा और पीछे जाऊँगा टायर निकल जाएगा क्योंकि आगे आते आते एक एक पार्ट हर असेंबली पॉइंट पर जोड़ा जाता है। सो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इसकी असेंबली लाइन दिखाने की कोशिश करी है इस वीडियो में और इसके जो कलर ऑप्शन हैं वेरियंट ऑप्शन हैं वो आपको दिखाए हैं। आपको टैंक अलग से देखना है, प्लांट पर हैं तो हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं जो ओमन हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। ये देखिए इसके टैंक्स के जो कलर ऑप्शन हैं मिलिट्री रेड बेस वेरिएंट है, ये दोनों मिलिट्री ब्लैक बेस है, स्टैंडर्ड मरून जो है और स्टैंडर्ड ब्लैक है ये इसके मिड वेरिएंट है और ब्लैक गोल्ड जो है वो इसका टॉप वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कुछ चीज़ें हैं इस रॉयल एनफील्ड की बुलेट 50 को लेकर। अदरवाइज डिटेल वीडियो आप अगर टाइम ड्राइविंग यूट्यूब पर अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या क्या इसमें दिया गया है, बाइक में क्या किस तरह का डिज़ाइन है। जो मोटा मोटा मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो इन कलर ऑप्शंस को लेकर, इन वेरिएंट्स को लेकर, इन कीमतों को लेकर एंड ऑल्सो किस तरह से असेंबली लाइन्स की रन करी जा रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इंटरेस्टिंग लगा इन स्पेशली असेंबली लाइन अगर आपने पहले नहीं देखी थी। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 50। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलिएगा।